हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द गुजराती चेस जोन। आज आपको एक नई ओपनिंग सीखने को मिलेगी, बहुत ही नई, जिसका नाम शायद ही आपने सुना होगा। ओपनिंग का नाम है मंकीज बम गैम्बिट डिक्लाइन एंड मंकीज बम गैम्बिट एक्सेप्टेड। तो ये e4 अगेंस्ट, अगर जब g6 मतलब पार्क डिफेंस कोई भी g7 करके खेलना चाहता है, उसके अगेंस्ट ये लाइन है मंकीज बम गैम्बिट। ये तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब ब्लैक प्लेयर g6 और बिशप g7 वाला जो स्ट्रक्चर करता है स्टार्टिंग में। तो ये बहुत ही एक जबरदस्त ट्रैप है जिसमें दो वेरिएशन है दोस्तों, एक तो है डिक्लाइन वेरिएशन और दूसरा है एक्सेप्टेड वेरिएशन। तो e4 g6 के सामने सबसे पहला सेकंड मूव जो है बिशप c4, ये हमारे एक स्कॉलर्स मेट, आपने सुनी होगी कि स्कॉलर मेट क्या होती है, वो मैं बताता हूं आपको। तो जैसे 4 मूव में हम चेकमेट करते हैं, बच्चों को सबसे पहले यही सिखाते हैं स्कॉलर मेट, e4 e5 देन सेकंड मूव क्वीन h5, ये पॉन पे अटैक, ब्लैक खेलता है नाइट c6 उसे सपोर्ट देता है जब व्हाइट उसे अटैक करता है, और f7 पे, और ब्लैक गलती से अगर क्वीन पे अटैक करता है तो यहाँ पे चेकमेट होती है, इसे कहते हैं स्कॉलर मेट। तो थोड़ा सा स्कॉलर मेट टाइप है दोस्तों, लेकिन ये बहुत ही इफेक्टिव है। e4 g6 और bc4, और यहाँ पे ब्लैक खेलेगा बिशप g7। तो ये यहां से शुरू होती है आपकी ट्रैप क्वीन f3। अब यहाँ पे क्वीन टेक्स f7 चेकमेट। अब ये अगर नाइट f6 करता है तो नाइट f6 ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि आफ्टर e5 देन ब्लैक विल लॉस्ट हिज पीस, नाइट मूव नहीं कर सकता, मेट हो रही है। तो नाइट f6 के बदले यहाँ पे ब्लैक को रिप्लाई देना होगा e6। अब यहाँ पे दोस्तों d4, ये एक सरप्राइज मूव है आपके सामने, पॉन सैक्रिफाइस, ये मंकीज बम गैम्बिट की शुरुआत है। d4 के बाद दो लाइन होती है, एक तो डिक्लाइन जो इस पॉन को एक्सेप्ट नहीं करता है, और दूसरी जो लाइन है एक्सेप्टेड, ब्लैक अगर ये पॉन सैक्रिफाइस एक्सेप्ट कर लेता है। तो दोनों के अगेंस्ट में बताऊंगा, डिक्लाइन पहले देखते हैं। मेरे अगले वीडियो में मैं आपको मंकीज बम गैम्बिट के एक्सेप्टेड वेरिएशन भी बता दूंगा। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें ताकि हर एक वीडियो आपको मिलता रहेगा वन बाय वन। d4 के बाद ब्लैक खेलेगा c6, c6 इज अ डिक्लाइन वेरिएशन। यहाँ पे आपको खेलना है e5। अब ब्लैक खेलेगा d5 सेंटर ब्रेक करने के लिए, और हमारी जो पॉन चेन है यहाँ पे आपको खेलना है e takes d6 एंड पासन आफ्टर queen takes d6 knight e2। अभी भी आप एक पॉन सैक्रिफाइस कर रहे हो, अगर हम चाहते तो c3 कर सकते थे, लेकिन knight e2 एक छोटा सा ट्रैप बनाया है। knight e2 के बाद तीन चॉइस है, एक तो बिशप टेक्स डायरेक्टली d4, जो मेरे हिसाब से ज्यादा बेटर नहीं है, सिर्फ सेंटर का पॉन मिल रहा है, लेकिन कंपेंसेशन में व्हाइट जैसे ही कैसल कर लेगा कंप्लीटली गेम व्हाइट के फेवर में है। व्हाइट के 3 और 4 पीस एक्टिव हो जाते हैं, तुरंत कैसल हो जाता है, और ब्लैक का सिर्फ एक ही पीस एक्टिव है जो बिशप, और वो भी कैसलिंग बिशप वाला है, इसीलिए ये बिशप टेक्स d4। सेकंड चॉइस देखते हैं knight e7। तो knight e7 में क्या होता है, सिंपल c3 करके आप पॉन सपोर्ट कर लो और बाद में आप अच्छी तरह से खेल सकते हो। और थर्ड जो चॉइस है knight e7, यहाँ भी आप c3 और देन कैसल। तो ये हो गई एकदम सिंपल लाइन। यहाँ मैं आपको बताऊंगा, ये थी हमारी पहली चॉइस, चॉइस नंबर 1 c6। ये डिक्लाइन की कितनी चॉइस है वो मैं बताऊंगा, c6 यानी फर्स्ट चॉइस। अब c6 के बदले जब आप d4 सैक्रिफाइस करते हो तो दूसरी चॉइस क्या है दोस्तों, सेकंड चॉइस है knight c6। डेवलप में ध्यान रखना है, पॉन पे दूसरा अटैक। तो knight c6 के रिप्लाई में यहाँ सिंपल c3 कर देना है, और c3 के बाद ब्लैक खेलेगा ng e7, और ng e7 में आप बिशप d3, ये एक सरप्राइज मूव है, सिंपल बिशप को रिटर्न लेना है, एक मूव वेस्ट कर रहे हैं हम।
लेकिन पोजीशन बनाने के लिए कभी करना जरूरी है, क्योंकि अगर हम बिशप रिटर्न नहीं लेते तो नेक्स्ट थ्रेट ब्लैक वैसे भी d5 करने वाला है और हमें बिशप को वापस लेना ही है। तो यहाँ पे हम खेलेंगे बिशप d3 और यहाँ ब्लैक रिप्लाई देगा d5 और d5 के बाद यहाँ आपको करना है e5। अब टोटली देखिए आपके पॉन चेन वाइट के कितनी स्ट्रांग हो गई है। अगर ये डिक्लाइन करते हैं तो ऐसे कुछ सिचुएशन आएगी, कैसलिंग और उसके बाद आपका जो प्लानिंग है क्वीन h3 देन नाइट f3 नाइट g5 एंड चेकमेट की थ्रेट, और यहाँ से बहुत सारे मूव आपको अटैकिंग मिलते रहेंगे। अब यहाँ पे क्वीन h3 के बाद ब्लैक अगर सपोज नाइट f5 खेलता है तो यहाँ आपको खेलना है g4। ये बहुत ही अग्रेसिव अटैकिंग लाइन है। तो दोस्तों इसके बाद कंप्लीटली आपके फेवर में गेम है। नाइट f5 के बदले ब्लैक और क्या खेल सकता है, सिंपल अगर f6 करके ये आपका जो पॉन चेन है उसे ब्रेक करना चाहेगा, रुक को ओपन करना चाहेगा। f6 भी एक कई लोग खेलते हैं, यहाँ हमें रिप्लाई देना है f4 से आफ्टर g takes e5, यहाँ f cross e5 और उसके बाद नाइट ए फाइव आइडिया बिहाइंड दिस मूव, Nc4 या फिर c5 भी कर सकते हैं ब्रेक लेने के लिए। तो Na5 यहाँ पे एक चॉइस मैंने बताई है जो ब्लैक के लिए अच्छी है, लेकिन यहाँ वाइट खेलेगा Nf3। अब आप सोचोगे रूक फाइल आपने ओपन कर दिए तो ये तो ब्लैक के फेवर में नहीं, बिल्कुल ये गेम ब्लैक के फेवर में नहीं। ध्यान रखिए Nf3 होने के बाद क्या होता है, यहाँ पे c5 ब्लैक ब्रेक करना चाहेगा और c5 के बदले आपको खेलना है Ng5 विद अटैक ऑन h7। तो Ng5 के बाद ब्लैक क्या रिप्लाई देगा, फोर्सफुली h6 और h6 के बाद वापस से एक बार Nf3 और फिर से बिशप टेक्स h6 की थ्रेट है, तो यहाँ उसको रिप्लाई देना पड़ेगा King h7 और King h7 के बाद एक ब्रिलियंट मूव आपके सामने है Bg5। Bg5 ये पॉन पिन है, वो मार भी नहीं सकता और ये सिचुएशन कंप्लीटली आपके फेवर में है। बिशप g5 इज अ बेस्ट ऑप्शन। तो दोस्तों यहाँ पे हम थर्ड चॉइस देखेंगे। अब थर्ड चॉइस क्या है, आफ्टर d4 यहाँ पे चॉइस नंबर 3 ब्लैक के लिए Ne7 Ng7 के सामने आपको रिप्लाई देना है Nc3। अभी भी आपको ये पॉन सैक्रिफाइस करना है। Nc3 के बाद ब्लैक करेगा शॉर्ट कैसल और फिर Ne2 अब पॉन को सपोर्ट, उसके बाद ब्लैक खेलेगा d5 e takes d5 फिर knight takes d5 बिशप टेक्स d5 c6 बिशप b3 और बिशप d4। यहाँ पे ब्लैक इस प्रकार अपना पॉन वापस ले सकता है बिशप d4 करके। यहाँ पे भी आप एक्सचेंज करके खेल सकते हो Nd4 Qd4, ये पोजीशन आएगी दोस्तों, और उसके बाद शॉर्ट कैसल और यहाँ भी मेरे हिसाब से कंप्लीट की वाइट के फेवर में ये गेम है। आफ्टर बिशप g4 या सिंपल आप रिप्लाई दे सकते हो Qg6। तो ये दोनों साइड आप देखिए कंप्लीटली पॉन स्ट्रक्चर है, आपका स्ट्रॉन्ग बिशप है f7 पे अटैक कर रहा है, ये गेम भी आपके फेवर में, पैर ऑफ बिशप का फायदा भी आपको मिलेगा, दो बिशप के पैर बहुत ही स्ट्रांग रहती है। तो ये पोजिशन थर्ड चॉइस में आएगी। अब देखते हैं फोर्थ वाली चॉइस जो है Nge7 तो रहेगी, उसके बाद कुछ मूव हम चेंज करते हैं Nge7 के बाद। जैसे ब्लैक ने Nge7 किया सपोज, यहाँ पे Ne7 सिंपल, और यहाँ पे फोर्थ चॉइस में चेंजिंग कब आता है, जब हम Nc3 करते हैं तब ब्लैक c6 देन d5 का प्लान कर सकता है। जैसे कि डायरेक्टली वो पॉन मर रहा था उसे मार नहीं रहे, तो कैसलिंग के बदले c6 देन d5, यहाँ पे c6 के रिप्लाई में आप सीधा ही h4 कर सकते हो। आफ्टर d5 यहाँ आपको खेलना है बिशप b3, एक ये भी अटैक है आपके पास। bb3 के बाद ब्लैक को फोर्सफुली h5 खेलना ही होगा, वरना h5 हम खेलेंगे तो ब्लैक को काफी दिक्कत होगी। तो h5 के रिप्लाई में बिशप g5,
यहाँ पे नाइट को पिन कर देना है। बिशप जी फाइव के बाद एफ सिक्स, ये ही एक बेस्ट ऑप्शन है पिनिंग से बचने के लिए। यहाँ पे बिशप डी टू, अब ये स्ट्रक्चर हम ब्लैक का पूरा स्ट्रक्चर बिगाड़ के खेलने वाले हैं। बिशप डी टू के बाद ब्लैक खेलेगा नाइट डी सेवन डेवलप के लिए और एफ सिक्स को सपोर्ट। नाइट डी सेवन के बाद यहाँ आपको खेलना है जी फोर, आफ्टर एच क्रॉस जी फोर, क्वीन क्रॉस जी फोर, देन ब्लैक कैन प्ले द एफ फाइव। लेकिन जी सिक्स वाला पॉन ये हैंगिंग है तो उसका फायदा हमें मिलेगा, क्वीन जी टू करके वेटिंग करना है और क्वीन जी टू के बाद एफ क्रॉस ई फोर, ये पॉन सेक्रीफाइस करना है, हमें मारना नहीं है। तो एफ क्रॉस के बाद यहाँ सिंपल एच फाइव और कंप्लीटली आफ्टर नाइट एफ सिक्स एच क्रॉस जी सिक्स, ये ब्रिलियंट ऑप्शन है आपके पास। अब दूसरी एक दिखाते हैं एच फाइव में डी ई फोर, ब्लैक अगर करता है इसमें थोड़ा सा चेंजिंग, जैसे कि एच फोर किया हमने तो ब्लैक ने रिप्लाई एच फाइव से दिया। मैंने बताया कि ब्लैक एच फाइव करेगा ही करेगा, लेकिन कई गेम ऐसी होती है जिसमें एच फाइव के बदले पॉन टेक्स पॉन भी किया गया है, पॉन टेक्स पॉन। तो डी फोर में सिंपल नाइट ई फोर और यहाँ पे एफ सिक्स जो है वो आपके कंट्रोल में आता है। नाइट ई फोर के बाद ब्लैक खेलेगा नाइट एफ फाइव और इस पॉन को अटैक बढ़ाएगा और यहाँ भी अटैक नाइट फोर से, तो यहाँ आपको एच फाइव करना है। और यहाँ पे नाइट टेक्स डी फोर के रिप्लाई में अब आपकी क्वीन पे अटैक है, बिशप पे अटैक है, तो यहाँ सिंपल क्वीन जी फोर और क्वीन जी फोर के बाद ब्लैक यहाँ पे नाइट टेक्स अगर बिशप करता है सिंपल, तो यहाँ आपको ए पॉन से लेना है और कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, यहाँ भी आप अटैक में रहते हो इस पोजिशन में भी। तो दोस्तों ये थी डिक्लाइन की लाइन, मंकीज बम गैम्बिट की डिक्लाइन लाइन। अगले वीडियो में आप देखोगे एक्सेप्टेड, एक्सेप्टेड यानी उसके बारे में खास जानना जरूरी है, ई फोर जी सिक्स बी सी फोर बी जी सेवन क्वीन एफ थ्री, यहाँ पे एन एफ सिक्स गलत है तो मैंने बताया था यहाँ पे ई सिक्स और यहाँ डी फोर। तो इतने मूव्स के बाद बिशप टेक्स डी फोर, उसके बाद क्या होने वाला है इसके जानने के लिए आपको वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। नेक्स्ट वीडियो में पूरी लाइन में आपको बताऊंगा, तब तक के लिए मिलते हैं, जय हिंद जय गुजरात।